दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलामा गांव में होली के दिन हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि परवलपुर थाना पुलिस के द्वारा फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों के घर पर ढोल बाजा बजा कर इश्तेहार चिपकाया गया है। पुलिस घर में रह रहे परिजनों को अविलंब अभियुक्तों को आत्मसमर्पण कराने के लिए कह रही है, अन्यथा पुलिस सभी फरार अभियुक्तों के घर की कुर्की करेगी। गौरतलब हो कि होली के दिन नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलामा गांव में दो महिला समेत तीन लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरी महिला की इलाज के दौरान मौत हुई थी और गोली लगने से जख्मी राजेंद्र राउत का अभी भी इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि इस मामले में मृतक के परिवार वालों ने 18 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है और 13 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस न्यायालय के आदेश के बाद सभी आरोपियों के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से अलामा गांव में परवलपुर पुलिस के द्वारा दोहरे हत्याकांड के आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया जा रहा है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।